नमस्कार, मैं डॉक्टर सागर जावले बोल रहा हूँ। मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ और मैंने कैंसर के ऊपर अभी जो नया इन्वेंशन किया है उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि कैंसर में सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन, ये तीनों ऑप्शन है और तीनों ऑप्शन से काफ़ी टॉक्सिक है। इसमें साइड इफेक्ट्स बहुत भयानक होते हैं और कई बार तो कैंसर के बजाय साइड इफेक्ट से ही आदमी की मृत्यु हो जाती है। एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ऐसा है कि कॉस्ट इनकी बहुत भयंकर है। लाखों में तो आम बात है, कभी कभी करोड़ों में चली जाती है और उसके बावजूद इंसान बच नहीं पाता। और कई हद तक हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का एक ये बिजनेस बन चुका है, एक प्रकार की माफिया है जिनको आपके जान से लेना देना कम है और पैसे कमाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये भी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए मैंने अपना रिसर्च किया और कैंसर के ऊपर ऐसी कोई थेरेपी हो जो कोई टॉक्सिक ना हो, साइड इफेक्ट उसके ना हो ज़्यादा और कॉस्ट भी बहुत कम हो, ऐसी थेरेपी डिज़ाइन करने में मुझे सक्सेस मिला है। तो उसकी ये शुरुआत है। कैंसर का एक नया ट्रीटमेंट है जिसको कहते हैं ट्यूमर ट्रीटिंग फील्ड्स। ये ब्रेन ट्यूमर के लिए इजाद किया गया सबसे पहले। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन में आपके ट्यूमर है तो यह दो जगह इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होता है और उसका जो मशीन है उसको अमेरिकन FDA का अप्रूवल मिला हुआ है, लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली है। ये एक साल का 2 करोड़ रुपया है इसकी कीमत। तो कभी कभी 2-3 साल तक लगाना पड़ता है, तो 5 या 6 करोड़ रुपया इसको लगता है। तो एक तो इंसान कैंसर से परेशान, ऊपर से इतने करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। तो ये मैंने स्टडी किया तो मैंने कहा ये तो कुछ हज़ार रुपयों की बात है, ये तो इतना महंगा होना नहीं चाहिए। तो मैंने उसको मॉडिफाई किया और एक बहुत ही सस्ता मशीन बनाया जिसकी कीमत सिर्फ कुछ हज़ार रुपये है और ये परमानेंटली आपको दे दिया जाता है। कोई मुझे रॉयल्टी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपका कैंसर ठीक हो यही इच्छा है। ये हमारा जो विज्ञान योग फाउंडेशन है, नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैंने खोली हुई, इसके माध्यम से तकरीबन नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही कैंसर पेशेंट्स को दिया जा रहा है। तो इसमें इसके पीछे साइंस क्या है कि जब कैंसर सेल डिवाइड होती है तो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फील्ड तैयार होता है और सारा जेनेटिक मटेरियल दोनों पोल्स पे आता है इक्वल, और फिर एक की दो सेल हो जाती, दो की चार, चार की आठ, उसका डिवीजन जो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। जब आप बाहर से उससे स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो ये डिवीजन हो नहीं सकता। जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिसप्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो सेल सर्वाइवल उसके कारण नहीं होता, वो सेल मर जाती है, जिसको विज्ञान की भाषा में एपोप्टोसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी हो चुका है, उसका वीडियो नीचे लिंक बॉक्स में आपको दे रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये शुरुआत में ब्रेन ट्यूमर के लिए दिया गया, लेकिन फिर ये जो टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई है, क्योंकि मुझे बेसिक का ज्ञान मेरा बहुत स्ट्रांग है, इसलिए पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी टेक्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो ये कोई आपके दिमाग के अंदर से स्कल बोन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है उसमें अंदर से तो नहीं जा रहा है, ये स्किन में से ही जा सकता है, यहाँ से या डायरेक्ट स्किन से। तो ये कोई टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं है, तो इसके लिए मैंने कहा कैसे इसे और कारगर बनाए, इसके लिए मैंने ब्लड के माध्यम से देना चाहा। तो उसमें एक जो इलेक्ट्रोड है आपकी जो नस है इसके ऊपर लगता है, दूसरा इलेक्ट्रोड आपके दूसरे नस के ऊपर लगता है ECG इलेक्ट्रोड के माध्यम से, जो कि आपका स्किन का रेजिस्टेंस जो है 1 लाख ओम उसको सिर्फ 100 ओम बनाता है। तो काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी आपके ब्लड में से जा सकती है। ब्लड में क्या होता है, सॉल्ट होता है 0.9 ग्राम्स पर डेसीलीटर, और सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा कंडक्टिव है, ये तो 5वीं कक्षा में सिखाते हैं। तो ये मशीन, ये दोनों टर्मिनल्स को लगाने के बाद पूरे आपके बॉडी में
एक स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होता है। तो सिर्फ ब्रेन ट्यूमर नहीं, सारे बॉडी का कोई भी ट्यूमर और कोई भी कैंसर, यहाँ तक कि ब्लड कैंसर को भी हम इस प्रकार से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यह इसका फायदा है, मतलब सिर्फ ब्रेन ट्यूमर नहीं, सारे कोई भी कैंसर इस प्रकार से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यह मशीन आपको लगाना है, 4 घंटे दिन में आप लगा सकते हैं। आपका कैंसर अगर ज़्यादा सीरियस है तो रात को लगा सकते हैं, 12-12 घंटे हर रोज़ आप लगा सकते हैं। तो जब तक आप लगाते हैं तब तक कैंसर सेल डिवाइड नहीं होते और मर जाते, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं, और इसकी कॉस्ट भी कुछ 1000 रुपया है, ना के बराबर है। तो ऐसी थेरेपी आज तक किसी ने डिज़ाइन नहीं की, और अगर की तो आप तक पहुँचे नहीं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि कैंसर की थेरेपी ऐसी है कि उसके साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा है कि उससे इंसान की मृत्यु हो जाए। ये तो पहली बार है कि ऐसी कोई थेरेपी जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कॉस्ट नहीं। तो आप कितने भी बार ले सकते, आप 24 घंटा भी लगा के बैठ सकते अगर आपको आपकी जान प्यारी है। 12 घंटे तो रात को बिल्कुल नहीं लगा सकते, कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो कीमोथेरेपी भी महीने में एक साइकिल होती है, तो 12 घंटे सिर्फ कैंसर सेल ग्रो नहीं हो रहे, बाद में वापस ग्रो होने के लिए वो मुक्त है। तो आप कैंसर को मिटाओगे कैसे? हर रोज़ आप कीमोथेरेपी ले नहीं सकते, हर रोज़ आपने कीमोथेरेपी ली तो 7-8 दिन में आपकी मृत्यु हो जाए। रेडिएशन का भी वही हाल है, 3 महीने में 1 महीने में एक साइकिल मुश्किल से ले सकते, उसके बावजूद इतने साइड इफेक्ट होते। तो उसके बाद में कैंसर सेल वापस ग्रो होना शुरू हो जाता है। इसके लिए कैंसर को आज तक हम कभी हरा नहीं सके हैं। इसका कारण यह है कि थेरेपी ही इतनी टॉक्सिक है कि कैंसर से तो बाद में मृत्यु होगी, पहले तो थेरेपी के साइड इफेक्ट से आपकी डेथ हो जाए। तो इसके लिए एक अभी उम्मीद जागी है कि ये नॉन टॉक्सिक थेरेपी है और उसकी कॉस्ट नहीं है। इसके लिए पहली बार ऐसा है कि मुझे उम्मीद है कि हम कैंसर को बीट कर पाएंगे इसकी वजह से। तो ये लिंक बॉक्स में नीचे मेरा कॉन्टैक्ट है, ईमेल है, फ़ोन है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, दूसरे पेशेंट्स को भी आप बता सकते हैं। लेकिन ये थेरेपी बहुत नई है, इसके लिए इसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा कुछ, लेकिन इसका रिज़ल्ट कितना आएगा, क्या आएगा, एकदम ही कैंसर ठीक हो जाएगा ये डायरेक्टली हम नहीं कह सकते, जब तक कि 30-40-50 केसेस नहीं हो जाते का तब तक हम नहीं कह सकते। लेकिन खर्च बहुत ही कम है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, इसके लिए तकरीबन कैंसर का हर पेशेंट इसको अफोर्ड कर सकता है। तो ऐसी आज तक कोई थेरेपी दुनिया में बनी नहीं, और ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन की तो ज़रूरत नहीं रहेगी, सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तीनों भी आउटडेट हो जाएगी। तो ये जो हमारा मिशन है कि नॉन टॉक्सिक थेरेपी कैंसर के लिए बनाना और कैंसर मुक्त मानवता या मनुष्य जाति को कैंसर से मुक्त करने की जो हमारी एक मनीषा है, इच्छा है, उसे पूर्ण करने के लिए आपके सहयोग की हमें ज़रूरत है। धन्यवाद।